चल घर, चल घर, चल घर। रॉकी चलेगा नहीं, चलेगा नहीं घर। रॉकी चल कर रहा हूँ। अरे चल, चल घर, घर चल, चल करो रॉकी। हे गाइज, यू वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूं केदार महर और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी मैं हूं अपने गांव में और अपने गांव के बीच में जो सड़क है वहां पे मैं खड़ा हूं। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये मेरी गाड़ी यहां पे लगी है और ये रॉकी है जो कि मेरे साथ गाँव आया था। और मैं आपको बता दूँ कि मैं कई समय से इसको गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये जो यहाँ पर एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे एक कुत्ता यहाँ पे बंधा हुआ है, तो इसके साथ खेलने में बिजी है और मैं इसको कई बार पकड़ के गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भाग जा रहा है, फिर भाग जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने प्लान बनाया है, मेरे साथ मेरा लड़का है और मेरा भांजा है और एक लड़का और है गाँव का। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम बैठते हैं गाड़ी में और इसको छोड़ देते हैं यहीं और आगे देखते हैं कि ये क्या करता है, यहीं रहता है या फिर गाड़ी के पीछे दौड़ लगा के आता है और दौड़ लगा के ये कहाँ तक आ सकता है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और देखिए क्या होता है रॉकी के साथ और रॉकी हमसे कितना प्यार करता है। अगर ये हमसे प्यार करने वाला होगा तो गाड़ी के पीछे दौड़ लगा कर आएगा, अगर ये नहीं प्यार करता होगा तो ये यहीं पर रहेगा और यहीं पर खेलेगा। तो देखते हैं, आगे वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो में बने रहें। और आगे जाके मैं आपको थोड़ा सा हिमालय के भी दर्शन कराने वाला हूँ, क्योंकि कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि गाँव में हो रही है बारिश, लेकिन बारिश तो हुई लेकिन बर्फ नहीं पड़ी, पर हिमालय में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है और आगे से बहुत बढ़िया दर्शन होते हैं हिमालय के। तो मैं जाऊंगा आगे से आपको हिमालय के भी दर्शन कराऊंगा, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। तो आप वीडियो में बने रहें और देखिए कि रॉकी क्या करता है, हमारे साथ गाड़ी के पीछे भाग के आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों, अभी मैं बैठ चुका हूं अपनी गाड़ी में, ये है मेरा लड़का और पीछे मेरा भांजा है और एक लड़का है गांव का भरत, और हम लोग निकलते हैं अब यहां से। और कुत्ता हमने छोड़ दिया है रोड में, क्योंकि कई बार हम इसको बुला रहे हैं बैठ जा करके, लेकिन कुत्ता गाड़ी में बैठ नहीं रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या करता है, गाड़ी के पीछे आता है या नहीं आता है। तो वीडियो देखिए और मज़े लीजिए। क्या खा रहा है? संतरा। तो ये खा रहा है माल्टा और बोल रहा है संतरा, और इसको ये भी पता नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ करके। हॉर्न देते रहो, हॉर्न देते रहो।
बता, आज से कहना मानेगा नहीं? कहना मानेगा नहीं? रॉकी बता, कहना मानेगा नहीं? मानेगा, मानेगा क्या ना? सॉरी बोल, सॉरी बोल। दोस्तों देखा आपने, ये रॉकी और इसको हमने छोड़ दिया था अपने गांव के रोड में, और ये हमसे यार इतना प्यार करता है, इतना अच्छा मानता है। पहले यहाँ पे एक दूसरे कुत्ते के साथ खेल रहा था, लेकिन जब हमने इसको छोड़ा, क्योंकि कई बार कहने के बावजूद भी ये गाड़ी में नहीं बैठ रहा था, तो ये लगभग 2 किलोमीटर, लगभग मैं वहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर आ चुका हूँ, और 2 किलोमीटर तक ये गाड़ी के पीछे दौड़ के आया। तो भैया ये है, थक चुका है बिल्कुल, और इसका मतलब आज प्रूफ हो गया कि रॉकी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और वास्तव में यार जानवर इंसानों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जानवरों और इंसानों का बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, ये बात आज बिल्कुल इस कुत्ते ने जो है साबित कर ली है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ आगे, कुत्ते को बैठाता हूँ गाड़ी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया है। आगे जाके आपको हिमालय के दर्शन कराता हूँ। आ जा, नहीं तो अभी भी यहीं छोड़ दूंगा मैं। चला तो ये आ चुका है, आगे आ जा, आगे आगे जा, आगे जाके रहूं। कोई नहीं यार, एक साथ बता रॉकी, कितनी हुई थकान, कितनी थकान हुई तेरे को? सिपो थकान हुई, सॉरी। हाँ आज के बाद नहीं छोड़ेंगे, हाँ ठीक है। क्या खा रहा है ऐसे? सो गाइज, अभी मैं हूँ अपने गांव के एकदम पास में, ये आप देख सकते हैं, पीछे है मेरा गांव द्वारी, और नीचे भी पूरा गांव दिखाई दे रहा है, और सामने जो आपको दिख रहा है, सामने देख सकते हैं आप, कोहरा लगा हुआ है, तो कोहरे के कारण हिमालय उतना साफ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ फ्रंट कैमरे से आपको हिमालय के दर्शन कराने की, क्योंकि यार कल मैंने जो ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने ये बोला था कि यार गांव में आ गई है बारिश, तो शाम तक या कल सुबह तक बर्फ़ आ जाएगी, बट हुआ नहीं, बर्फ़ आई नहीं, और ऊपर हिमालय की चोटियों में तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, आप देखिए, अगर यहाँ से मेरे फ़ोन के इस कैमरे से अगर हिमालय के दर्शन अगर हो सकते हैं, तो मैं करता हूँ कोशिश आपको दिखाने की, तो आप देखिए वीडियो। सो गाइज, ये आप देख सकते हैं, ये है सामने हिमालय पर्वत, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिए बर्फ़ पड़ी हुई है, जो कि हमारे गांव से एकदम साफ दिखाई देता है। और दोस्तों यहाँ पे इस वाले जगह में पंचाचुली चोटी है, लेकिन अभी वहाँ पे लगा है कोहरा, तो कोहरे की वजह से पंचाचुली चोटी साफ नहीं दिखाई दे रही है। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये है गाँव द्वारी, और इसके बाद ये सामने है गाँव चुचेर, और चुचेर के ठीक पीछे आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है। तो यार अगर आपको यहाँ आकर हिमालय पर्वत के अगर दर्शन करने हैं, तो आप आ सकते हैं धर्मगढ़ के आसपास, चौकोड़ी धर्मगढ़, यहाँ से हिमालय पर्वत के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, और अगर आप आ सकते हैं तो आइए, आपका वेलकम है। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बर्फ़ पड़ी है हिमालय में, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, लेकिन अभी हिमालय में लगा है कोहरा, तो कोहरे की वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और बाकी कोशिश करूँगा आगे को, और बर्फ़ पड़ेगी तो मैं आपको बर्फ़ की हर वीडियो दिखाते रहूँगा, आपके लिए इस चैनल में डालते रहूँगा। और ये आप देख सकते हैं रॉकी अभी वहाँ पे खेल रहा है, एक चट्टान के नीचे गया है, क्योंकि इसको हमने छोड़ दिया था 2 किलोमीटर के आसपास, लगभग ये दौड़ के आया है गाड़ी के पीछे, और अभी थक भी गया था। तो ये है, और ये है अंशुल महर, जो कि घर गया था गाँव में, और अभी वापस आ रहा है धर्मगढ़। कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है। घर में क्या क्या किया? कुछ नहीं किया। क्यों किया फिकर? घूमने के लिए। अच्छा, तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो मैंने आज बनाई है आप सभी के लिए, और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों, मैंने कल जो एक वेडिंग का वीडियो आपको दिखाने के लिए इस चैनल में डाला हुआ है, जिसमें मैंने लिखा है कि हमारे पहाड़ी शादी विवाह में दूल्हे का स्वागत किस प्रकार किया जाता है, तो वो वीडियो अभी तक लगभग 1500 लोगों ने देखी हुई है, लगभग 1.5K उसमें व्यूज हो चुके हैं, अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं लगभग, मुझे शाम तक विश्वास है कि उसमें व्यूज और बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगेगी तो आप उस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाइए और देखिए चैनल में, कल शाम को मैंने वीडियो डाली है। और अभी के लिए इतना ही, निकलता हूँ मैं यहाँ से धर्मगढ़ की ओर, और फिर मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय बाय और टाटा।